प्याज देखिए अभी सीजन आने वाला है, प्याज के अंदर जो अगला सप्ताह होने वाला है, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि तेजी आने के बाद तेजी के 50 कारण गिनाना, मंदी आने के बाद मंदी के 50 कारण गिनाना, इससे कभी किसी को फायदा नहीं हुआ जी। आप जो विश्लेषण कर रहे हो या विश्लेषण जो दर्शक चाहता है, किसान व्यापारी जो शो देखता है, वो चाहता है कि आगे क्या होता होने की संभावना है उसकी बात की जाए। 10 में 4 बार सही होते हो, 7 बार सही होते हो, 9 बार सही होते हो, ये डिफरेंस होता है। लेकिन जैसे प्याज के अंदर मेरा ये कहना है कि अगला जो सप्ताह होगा प्याज के अंदर, वो प्याज के अंदर कमजोरी ला सकता है। अभी भी प्याज के अंदर कमजोरी है, और ये शुभ सूचना ये भी है कि राजस्थान क्षेत्र में जो 200 वाट स्पीकर है श्रीमान बिरला साहब, उनके हस्तक्षेप से राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच के जरिए प्याज और लहसुन की खरीदारी भी हुई है, हो रही है, इसमें तो दो राय नहीं। लेकिन कुछ किसान ये भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि वो पोर्टल कुछ समय तक खुलता है, उसके बाद में वो ब्लॉक हो जाता है या फिर ओवरलोड हो जाता है। तो ये व्यावहारिक समस्याएं होती होंगी, वो उसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन ये अच्छा हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह सकता हूँ कि मेरा विश्लेषण ये कहता है कि अगला सप्ताह जो 13 जून 2022 से शुरू होगा, प्याज के दामों के अंदर कमजोरी की संभावनाएं बढ़ सकती है, अतः किसान और व्यापारी विशेष ख्याल रखें। ये अपील की जी।